अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिमेंटिक्स और उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं सिमेंटिक्स के सिमेंटिक्स क्या होता है और इसके रूल्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। अब सिमेंटिक्स हम कहते हैं वर्ड और सेंटेंस की जो मीनिंग की स्टडी होती है, उसकी मीनिंग किस तरीके से निकलती है, किसी वर्ड की, किसी सेंटेंस की हम किस तरीके से मीनिंग निकाल सकते हैं, उसकी स्टडी को हम सिमेंटिक्स कहते हैं। सिमेंटिक्स हैज़ बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस मीनिंग। अब सिमेंटिक्स हम किसे कहते हैं कि किस तरीके से कोई लैंग्वेज जो है वो ऑर्गेनाइज हो रही है, किस तरीके से हम उसे ऑर्गेनाइज करें और किस तरीके से हम उसकी मीनिंग को निकाल रहे हैं, उसकी स्टडी को हम सिमेंटिक्स कहते हैं। द टर्म सिमेंटिक्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर साइन। अब ग्रीक वर्ड एक साइन था जिसमें से सिमेंटिक्स निकला है। वॉज क्वाइंड बाय फ्रेंच लैंग्विस्ट माइकल ब्रेल। एक फ्रेंच लैंग्वेज था जिसका नाम माइकल ब्रेल था, उसने ये जो है इंट्रोड्यूस करवाया था 1832 से 1915 तक। हु इज़ कॉमनली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सिमेंटिक्स। इस फ्रेंच लैंग्विस्ट माइकल ब्रेल को कॉमनली जो है हम कहते हैं कि ये मॉडर्न सेमेंटिक्स का फाउंडर है, जिसने मॉडर्न सेमेंटिक्स को बनाया है। अब हम आते हैं इसके लेक्सिकल रिलेशन की तरफ। लेक्सिकल रिलेशन आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिमेंटिक रिलेशन एक्सप्लोरिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब लेक्सिकल रिलेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सिमेंटिक का रिलेशन है, जो किसी भी वर्ड की मीनिंग को एक्सप्लोर करने में, ढूंढने में इंग्लिश लैंग्वेज में मदद देता है। दे आर मेनली यूज टू एनालाइज द मीनिंग ऑफ वर्ड इन टर्म ऑफ देयर रिलेशन टू ईच अदर विद इन सेंटेंस। अब ये मेनली इस क्या करता है, इसका यूज जो होता है वो मीनिंग को एनालाइज करना, ढूंढना किसी भी वर्ड की किसके उसके अपने रिलेशन जो एक दूसरे के रिलेशन है उसके साथ किसी सेंटेंस में, तो उसे हम लेक्सिकल रिलेशन कहते हैं। द लेक्सिकल रिलेशंस वी हैव जस्ट एग्जाम्प्लीफाइड आर, हम अगर इसको एग्जाम्प्लीफाइड करें लेक्सिकल रिलेशन को, तो वो होते हैं एंटोनियम, सिनोनियम और हाइपोनियम। ये तीन जो हैं इसको हम लेक्सिकल रिलेशन कहते हैं, जिसे हम वन बाय वन अब पढ़ेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंटोनियम। टू फॉर्म्स विथ अपोजिट मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनियम्स। अब दो फॉर्म्स हों आपस में एक दूसरे के अपोजिट, जिनकी मीनिंग निकले एक दूसरे के अपोजिट हो बिल्कुल, उनको हम एंटोनियम कहते हैं। एग्जाम्पल अलाइव और डेड, जीना मरना, बिग स्मॉल बड़ा छोटा, फास्ट स्लो, हैप्पी सैड, हॉट कोल्ड, लॉन्ग शॉर्ट, मेल फीमेल, मैरिड सिंगल, ओल्ड न्यू, रिच पुअर, ट्रू फॉल्स। तो ये क्या है, अपोजिट मीनिंग्स हैं एक दूसरे की, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट करती हैं, तो इसे हम एंटोनिम्स कहते हैं। एंटोनिम्स आर यूजुअली डिवाइड इनटू टू मेन टाइप्स। अब एंटोनिम्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक ग्रेडेबल और एक नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल को हम अपोजिट अलोंग भी कहते हैं और नॉन ग्रेडेबल को डायरेक्ट अपोजिट भी कहते हैं। अब हम वन बाय वन इन्हें पढ़ते हैं। ग्रेडेबल एंटोनियम्स सच एज पेयर, बिग और स्मॉल कैन बी यूज्ड इन कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन, लाइक आई एम बिगर देन यू एंड अपोन इज स्मॉलर देन अ हॉर्स। तो हम इसे जो है कंपैरेटिवली एक दूसरे को कंपेयर करने के लिए भी एक ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेगेटिव में करें, अगर माई कार इज नॉट ओल्ड डज नॉट नेसेसरली मीन्स माई कार इज न्यू, तो इसे हम इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं। और नॉन ग्रेडेबल सेंटेंस एंटोनियम क्या होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉट नॉर्मली यूज, इसे हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। वी डोंट टिपिकली डिस्क्राइब दैट समवन एज डेडर आर और मोर डेड देन अदर, तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई आपसे भी ज़्यादा मरा हुआ है। ऑल्सो नेगेटिव पेयर ऑफ नॉन ग्रेडेबल पेयर डज नॉट अप्लाई द अदर मेम्बर, तो हम जो कॉम्प्लीमेंट्री या नॉन ग्रेडेबल एंटोनियम है उसे हम किसी भी दूसरे मेम्बर के ऊपर यूज़ नहीं करते हैं, जिस तरह हम ग्रेडेबल एंटोनियम को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आ गए हमारे ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल। अब आते हैं हम सिनोनियम्स की तरफ। सिनोनियम क्या होते हैं, टू और मोर वर्ड्स विथ क्लोजली रिलेटेड मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनियम। अब सिनोनियम क्या होते हैं, दो वर्ड्स हों जो आपस में क्लोजली, जिनकी मीनिंग जो आपस में एक दूसरे से रिलेट करें, एक दूसरे से मिलती जुलती, उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं। दे कैन ऑफन थ्रू नॉट ऑलवेज बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर सेंटेंस, वो हम उसे जो है हम सेंटेंस में एक साथ जो है ना वो और कभी कभी रख नहीं सकते और कभी कभी रख भी देते हैं, तो इन चीज़ों को हम कहते हैं कि ये सिनोनियम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट, नियरली, बिग, लार्ज, ब्रॉड, वाइड, बाय, परचेज, कैब, टैक्सी, कार, ऑटोमोबाइल, कोच, सोफ़ा, फ्रीडम, लिबर्टी, चॉपर, हेलीकॉप्टर, ये क्या है,
ये अलग अलग वर्ड्स अलग अलग हैं, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो आपस में एक दूसरे के सेम है। बाय करना भी मतलब सेम, बाय करना होता है, परचेज करना भी सेम होता है, बिग भी सेम है, लार्ज भी सेम है, तो इनकी मीनिंग्स आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, क्लोजली आपस में रिलेटेड हैं, तो इन चीज़ों को हम कहते हैं कि ये सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स फॉर्म्स में ऑल्सो डिफर इन टर्म ऑफ फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल यूजेस। तो सिनोनिम्स के जो फॉर्म्स होते हैं वो डिफर कर सकते हैं फॉर्मल वर्सेज में और इनफॉर्मल वर्सेज में। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर परचेज अ लार्ज ऑटोमोबाइल। अब इस सेंटेंस में देखते हैं कि माई फादर परचेज अ लार्ज ऑटोमोबाइल, और नीचे के देखते हैं माई डैड बॉट अ बिग कार। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या है कि ये दोनों डिफर करते हैं। अब जो परचेज है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है, वो हम फॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बाउट है या बाय है वो वर्ड जो है वो इनफॉर्मल वर्ड है। तो इनकी जो फॉर्मल इनफॉर्मल में ये डिफर कर सकते हैं। तो हम जो है अगर हम परचेज करेंगे तो वो ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज लगेगी, अगर हम उसे बाउट कहेंगे तो वो इनफॉर्मल लगेगी। बोथ हैज वर्चुअली सेम मीनिंग, दोनों की सेम मीनिंग है, विथ फोर सिनोनिम्स, फोर इनके सिनोनिम्स है, रिप्लेसमेंट दैट दैट इज़ फादर डेड परचेज बाउट। अब इसमें क्या किया हमने, फादर को डेड में कर दिया है, परचेज को बाउट में कर दिया है, लार्ज को बिग में कर दिया, और ऑटोमोबाइल को कार में कर दिया। तो ऊपर वाला जो है वो फॉर्मल है, नीचे वाला क्या है, इनफॉर्मल है। बट द सेकेंड वर्जन साउंड मच मोर कैजुअल इनफॉर्मल देन द फर्स्ट। तो जो सेकेंड है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल और कैजुअल लग रहा है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है परचेज वाला, वो हमारा बहुत ज़्यादा फॉर्मल है। अब हम देखते हैं हाइपरनोमी क्या होती है। वेन द मीनिंग ऑफ वन फॉर्म इज़ इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ अनदर, जब एक फॉर्म की मीनिंग दूसरे में मिले हमें, द रिलेशनशिप इज़ डिस्क्राइब्ड एज हाइपरनोमी। तो इस रिलेशनशिप को हम हाइपरनोमी बोलते हैं कि दोनों में मीनिंग जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते एक दूसरे के अंदर इंक्लूडेड हो। फॉर एग्जांपल, पेयर एनिमल डॉग। अब पेयर हम जिस तरह देखें, एनिमल और डॉग दोनों एक जैसे हैं। डॉग पॉडल, वेजिटेबल कैरेट, फ्लावर रोज़, फ्लावर को हम रोज़ भी कहते हैं। तो ये क्या, डबल डबल मीनिंग है एक ही चीज़ की, ट्री जो है वो बनियान। व्हेन वी कंसिडर हाइपोनोमियस कनेक्शन, वी आर एसेंशली लुकिंग एट द मीनिंग ऑफ वर्ड इन सम टाइप ऑफ हायरार्किकल रिलेशनशिप। तो जब हम हाइपोनोमी की बात करते हैं इस, तो इन चीज़ों को हम कहते हैं हायरार्किकल रिलेशनशिप, एक दूसरे का जो है हेरिडिटी मटेरियल जिस तरह हम कहते हैं, तो इसका इस वाला रिलेशनशिप को हम हाइपोनोमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एनिमल एंड सेब बनियान कैरेट। तो ये क्या है, इनके कुछ हेरिडिटी, एनिमल जो है उसे हम आंट भी कह सकते हैं, सेब को बनियान या कैरेट जो है, ये सब क्या आपस में इनका रिलेशनशिप सेम है, तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, हाइपोनोमी कहते हैं। हम आते हैं सिमेंटिक्स फीचर्स की तरफ कि ये क्या होते हैं। इट इज़ अ नोटेशनल मेथड, ये एक नोटेशनल मेथड होता है विच कैन बी यूज टू एक्सप्रेस द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ प्री इस्टेब्लिश्ड सिमेंटिक्स। अब प्री इस्टेब्लिश जो इस्टेब्लिश होने वाले सिमेंटिक्स है, उसकी एग्जिस्टेंस हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बारे में हमें सिमेंटिक्स फीचर के साथ पता चलता है बाय यूजिंग प्लस एंड माइनस साइन, जिसे हम यूज़ करते हैं इंडिकेट करके करते हैं प्लस और माइनस के साइन से। फॉर एग्जांपल, मेन इज़, अब मेन क्या है, ह्यूमन है, तो हम इसे प्लस देंगे, प्लस ह्यूमन है, प्लस मेल है और प्लस अडल्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, सब प्लस 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 हैं, तो ये हमारे क्या है, ये हमारा मेन हुआ। अब हम वुमेन पे आएँ, तो वुमेन क्या है हमारी, प्लस मे ह्यूमन है, हमारी ह्यूमन है, माइनस मेल, क्योंकि ये फीमेल है तो हमने इसे यहाँ पर मेल के आगे माइनस लगा दिया, और प्लस अडल्ट तो ये अडल्ट है। इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन एंटोनियम सुपर ऑर्डिनेट एंड देयर हाइपोनोमी नियर सिनोनियम्स। तो इनका इसे हम डिस्क्राइब करते हैं यूज़ करने के लिए, डिफरेंस बिटवीन एंटोनियम सुपर ऑर्डिनेट एंड देयर हाइपोनोमी एंड नियर सिनोनियम को जब हम डिफरेंस करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये सिमेंटिक्स फीचर का इस्तेमाल करते हैं, जो के प्लस और माइनस के साइन के साथ हम इन्हें इंडिकेट करते हैं। अब हम आते हैं सिमेंटिक्स रोल की तरफ। सिमेंटिक्स रोल आर द अंडरलाइंग रिलेशनशिप दैट अ पार्टिसिपेंट हैज़ विद द मेन वर्ब विद क्लोज। अब कहता है कि सिमेंटिक रोल हमारे क्या होते हैं, वो ऐसा रिलेशनशिप बताते हैं कि जो जिसका पार्टिसिपेंट के साथ हैज़ विद द मेन वर्ब विद क्लोज, या वर्ब के साथ या क्लोज के साथ उसका रिलेशनशिप है या नहीं है। अब इसमें हमारे जो है, हमारे कुछ एजेंट्स हैं, या हमारे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं एजेंट को। सिमेंटिक्स रोल्स के कुछ रूल हैं। तो एजेंट क्या है हमारा, द इंस्टिगेटर ऑफ एक्शन डोनेटेड बाय द प्रिडिक्ट। अब जो इंस्टिगेटर होगा, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा किसी एक्शन की, जो प्रिडिक्ट को जो प्रिडिक्ट करेगा, उससे हम कहते हैं कि वो एजेंट है। फॉर एग्जांपल, अहमद पुश द डोर। अब इस अभी ये जो है हमारा अहमद पुश द डोर, एज इन द सेंटेंस वन रोल इज़ टेकन बाय द अहमद। एक रोल यहाँ पर जो है वो अहमद कर रहा है, एंड अहमद परफॉर्म द एक्शन, सो इट इज़ एन एजेंट। तो यहाँ पर जो परफॉर्म कर रहा है कोई भी एक्शन, तो उससे हम कहेंगे वो एजेंट है, ठीक है, क्योंकि अहमद पुश द डोर, अहमद ने क्या किया, पुश किया डोर को, किसने किया, अहमद ने किया, तो अहमद यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एजेंट हुआ। सेकेंड हम आते हैं पेशेंट की तरफ।
द अंडर गोज ऑफ एक्शन इवेंट डिनोटेड बाय द प्रेडिक्ट. अब जो एक्शन जिसके जो भी एक्शन के अंडर गो जा रहा है उससे हम कहते हैं कि वो पेशेंट है. फॉर एग्जाम्पल द डॉग ईट द मीट. अब एज इन दिस सेंटेंस मीट इज़ पेशेंट. मीट क्या है? पेशेंट है, जो एक्शन के नीचे जा रहा है. अब डॉग जो है वो खा रहा है, एक्शन हो रहा है, ईट हो रहा है, खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है? मीट खा रहा है. तो ये हमारा क्या हुआ? पेशेंट हुआ. अब हम आते हैं गोल की तरफ. द लोकेशन एंटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ विच समथिंग मूव. अब वो लोकेशन, वो एंटिटी, वो डायरेक्शन जिसकी तरफ कोई चीज़ जा रही है उसे हम गोल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल आलिया वेंट टू होम. आलिया जो है वो अपने घर जा रही है. तो इस सेंटेंस में जो होम है वो हमारा क्या है? लोकेशन है, वो हमारा गोल है जिसकी तरफ जो है आलिया वो मूव कर रही है. ठीक है, अब हम आते हैं इंस्ट्रूमेंट की तरफ. द मीडियम बाय विच द एक्शन और इवेंट डिनोटेड बाय द प्रेडिक्ट इज कैरिड आउट. अब वो मीडियम, वो चीज़ जिसके जिसमें एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे वो इंस्ट्रूमेंट है. फॉर एग्जांपल नाजिया कट द ब्रेड विथ नाइफ. अब इस सेंटेंस में नाइफ जो है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है. क्यों? क्योंकि नाजिया जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रही है किससे? ऑब्जेक्ट से. ऑब्जेक्ट क्या है? नाइफ है. तो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? वो नाइफ हुई. सेकेंड पे हम आ जाते हैं लोकेटिव. अब लोकेटिव कहता है स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लेस. कोई स्पेसिफिक प्लेस हो, कोई खास एक स्पेसिफिक प्लेस हो वेयर द एक्शन और इवेंट इज नॉट, जहाँ पर एक्शन या कोई इवेंट हो रहा हो उसे हम लोकेटिव कहते हैं. फॉर एग्जांपल आयशा सो अ फ्लाई ऑन द वॉल. अब एक स्पेसिफिक जगह है, वॉल पे. आयशा ने जो है वो फ्लाई देखी कहाँ पर? वॉल पर. तो इस सेंटेंस में वॉल जो है वो हमारा क्या है? लोकेटिव है. क्योंकि फ्लाई जो है वो एक सिचुएटेड जो है प्लेस के ऊपर, वॉल के ऊपर जो है वो बैठ रही है. वो कहीं और नहीं बैठ रही, वो सिर्फ वॉल के ऊपर बैठ रही है. उसने वॉल के ऊपर देखा स्पेसिफिक, तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या हमारा लोकेटिव है. तो आज की इस वीडियो में हमने सिमेंटिक्स डिस्कस किया, इसके फीचर्स, इसके रोल कुछ डिस्कस किए हैं, ग्रेटेबल और नॉन ग्रेटेबल हमने डिस्कस किए हैं, एंटोनियम्स, नोनियम, हाइपोनोमियम हमने डिस्कस किया है. तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर और एनी लेक्चर, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी. तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.